हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि अगर आपके पास अगर बैकलाइट को चेक करने के लिए टेस्टर नहीं है, जिसको एलईडी टेस्टर बोलता है, तो मार्केट में बहुत ही प्राइस है उसका, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे एलईडी स्ट्रिप को आप चेक करेंगे बैकलाइट ख़राब है या सही है। तो जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक और जानते रहिए इस तरह की बहुत ही नए नए चीज़। और एक बात गाइस कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड बटन दिख रहा होगा इस वीडियो को नीचे, उसको दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, अब चलिए कि आपको दिखाता हूँ तो कैसे एलईडी स्ट्रिप को हम चेक करते हैं विदाउट एलईडी टेस्टर। सो आप देख सकते हो कि मेरे पास एक यहाँ पे मैं बना के रखा हूँ देसी एलईडी टेस्टर, देसी वाला, देख सकते हो एक मोबाइल का बैटरी है। तो मैं जब भी कोई भी एलईडी रिपेयर करता हूँ और उसमें अगर कोई भी एलईडी चेक करना है, बैकलाइट का अगर पिक्चर नहीं आ रहा है टीवी में और बैकलाइट ख़राब हो चुका है, तो उसको टेस्ट करने के लिए गाइस एक एलईडी टेस्टर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप मेरे पास अभी भी एलईडी टेस्टर मैंने नहीं लिया हूँ क्योंकि मैं इससे ही काम चलाता हूँ गाइस, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर डायरेक्टली यहाँ पे प्लस और माइनस दे दोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस और माइनस का यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। तो अगर आप डायरेक्टली आप यहाँ पे प्लस माइनस दे देते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि ये नहीं चला गया, क्योंकि इसका जो वोल्टेज है गाइस बहुत ही कम है, या इसका जो बैटरी का वोल्टेज 3.3 वोल्ट का बैटरी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये नहीं ग्लो हो रहा है, नहीं चल रहा है। तो और गाइस, और एक बात कि इसका जो एलईडी है, एक एलईडी के लिए 3 वोल्ट मिनिमम, मतलब गाइस वोल्टेज लगता है, इसको 3 वोल्ट का एलईडी होता है। तो हमको मतलब कैसे हम चेक करें, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा इसको यहाँ पे स्क्रैच, यहाँ पे देख सकते हो टेस्टिंग का पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा करके स्क्रैच कर लेना है। कैसे, तो मेरे पास एक देख सकते हो यहाँ पे ओपनर है, तो ओपनर से मैं स्क्रैच कर लेता हूँ, उसके बाद आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ कि अगर ये जो टोपी है इसको बिना खोल के, तो गाइस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करके, यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे करके स्क्रैच कर दिया और नीचे का जो गाइस मेटल है वो दिख गया, ताकि हमें जो कनेक्शन है यहाँ पे हम ले लेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस दे देंगे और वहाँ पे प्लस दे देंगे, तो ये जलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो देखते रहिए गाइस कैसे। तो मैं अब देख सकते हो कि मैं इसके चेक कर रहा हूँ, सो ये देख सकते हो ये नहीं जल रहा गाइस, तो क्योंकि ये सॉरी गाइस थोड़ा सा गलती हो गई। तो कैसे करके मैं इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ गाइस। थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा इधर भी आपको स्क्रैच कर लेना है इस तरह से यहाँ पे, तो मैं अभी यहाँ पे भी स्क्रैच कर लेता हूँ गाइस। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर जो आप प्लस के साइन देख रहे हो आपको यहाँ पे प्लस लगाना है और उस साइड आपको माइनस लगाना है। तो आपको चेक करके दिखाता हूँ कि गाइस ये जो एलईडी है ये ख़राब है या सही है। और गाइस एक बात कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 110K का रेजिस्टेंस लगा के रखा हूँ यहाँ पे, तो चाहे तो आप भी लगा सकते हो, ताकि ये अगर शॉर्ट भी हो जाए तो ये जो बैटरी है ख़राब ना हो और एलईडी हमारा जो अच्छा एलईडी है वो भी ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने एक 10K का रेजिस्टेंस यूज़ किया हूँ। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं। तो गाइस थोड़ा सा देख सकते हो ये जो एलईडी है गाइस एकदम बिल्कुल अच्छे से जल रहा है, मतलब यानी ये गाइस एलईडी सही है। तो इस तरह से आप एलईडी को आप चेक कर सकते हो। उसके बाद हम सेकंड वाला जो ये जो एलईडी है इसको चेक करते हैं। तो गाइस क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टर है इसको निकल रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ इस तरह से। तो गाइस इसको भी मैं थोड़ा सा स्क्रैच करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रैच करना है आपको और थोड़ा सा उधर भी स्क्रैच करना है, तो मैं यहाँ पे स्क्रैच कर लेता हूँ और थोड़ा सा इधर, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको टेस्ट करके। सो देख सकते हो बहुत ही आसानी से गाइस देख सकते हो ये भी बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। तो इस तरह से आप इसको भी मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको और इसके थोड़ा सा। तो इस तरह से गाइस जो एलईडी का बैकलाइट होता है आप इस तरह से बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो ये भी है सही है। तो ये मेरे पास पुराना टीवी का मैंने अभी निकाल रहा हूँ और आप लोगों को दिखाने के लिए कि अगर आपके पास कोई भी एलईडी टेस्टर नहीं है तो आप किस तरह से आप एलईडी को चेक कर सकते हो। तो देख सकते हो गाइस इस तरह से बहुत ही आसानी से
आप कोई भी एलईडी को चेक कर सकते हो गाइस, और ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आप शुरुआती तौर पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो करियर बनाने के लिए, तो इस तरह से आप चला सकते हो। बाद में जब आपका पैसे हो जाएंगे तब आप एलईडी टेस्टर कर सकते हो। सो गाइस, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को गाइस, और शेयर कीजिए जिसको आप, अगर आपके पास एक ग्रुप है एलसीडी रिपेयरिंग का तो आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।